अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। धारणाएं, मान्यताएं, सोच, नजरिया, तौर तरीका, जैसे सब कुछ बदल गया है और जो नहीं बदला वह बदलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वे उनके तौर तरीकों व कार्यशैली को देखते हुए तो कामोश ऐसा ही लग रहा है। कोई तुष्टिकरण नहीं, सभी धर्मों को अपने त्यौहार मनाने की खुली छूट, लेकिन कानून के दायरे में। योगी आदित्यनाथ की सोच है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का पूरा ख्याल रखा जाएगा, लेकिन यदि लोकतंत्र के नाम पर तलवारें लहराई जाएंगी, सरकारी व गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया जाएगा, तो इसकी वसूली भी नुकसान पहुँचाने वाले से ही की जाएगी। मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि बदनीयति से कोई गोली चलाने या किसी को मारने आएगा तो वह जिंदा कहां से जाएगा। गुजरे जमाने की मान्यताओं व धारणाओं के बीच उनके ये बोल एकाएक ही जरूरी नहीं कि पसंद आए, लेकिन प्रदेश के मुखिया व जनता के टैक्स से बनी सरकारी संपत्ति के संरक्षक होने के नाते यह उनका दायित्व ही है कि संपत्ति के नुकसान न पहुँचे, और यदि पहुँचे तो उसकी भरपाई भी उसी से हो, प्यार से या फिर तकरार से, यानी आरसी से। मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि ऐसा करने वालों को अब 10 बार सोचना पड़ेगा कि वे ऐसा करें अन्यथा ना करें। महाबंदी के नाम पर पूरे देश को आगजनी की चपेट में झोंकने का प्रयास किया है, यह अस्वीकार्य है, और उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के तत्वों के साथ हम सख्ती से निपटेंगे। मैंने इसके बारे में अभी एक बड़ी बैठक बुलाई है और मैं इस चीज़ को स्वयं समीक्षा कर रहा हूँ, मैं स्वयं देख रहा हूँ, और जो भी जिम्मेदार होगा उसकी जवाबदेही भी तय करेंगे। इस हिंसा में लिप्त प्रत्येक तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे और उस जब्त से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या कहीं पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है, इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे, क्योंकि वे सब चिन्हित चेहरे हैं, वे सब वीडियोग्राफी में आ चुके हैं, CCTV के फुटेज में आ चुके हैं। इन सब की प्रॉपर्टी को जब्त करके इनसे हम इसका बदला लेंगे और सख्ती से निपटने के लिए इसके बारे में मैंने कहा है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो जानते ना हो कि योगी आदित्यनाथ का वास्तविक नाम अजय सिंह बिष्ट है और वो 5 जून 1972 में जन्मे हैं। 19 मार्च 2017 को विधानसभा चुनावों में भाजपा की बड़ी जीत के बाद प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। 1998 से 2017 तक भाजपा के टिकट पर उन्होंने गोरखपुर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया है। वो गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी हैं। MSc की पढ़ाई के दौरान अंततः ये महंत की शरण में ही चले गए और दीक्षा लेकर 1994 में पूर्ण सन्यासी बन गए। इनका नाम अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ भी हो गया। अपने निर्भीक विचारों के चलते वो हमेशा से ही चर्चा में आते रहे हैं, लेकिन दंगाइयों द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से ही करने के उनके कड़े संदेश ने राजनीतिक गलियारे में खासी उथल पुथल मचा दी। किसी ने सोचा भी ना था कि ऐसा भी हो सकता है कि दंगे के दौरान जलाई अथवा क्षतिग्रस्त सरकारी संपत्ति की भरपाई दंगाइयों से ही कराई जा सकती है। कुछ जिले ऐसे भी सामने आए जहां सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले खुद आगे आए और भरपाई कर मुसीबत से ये सोचते हुए पल्ला झाड़ लिया कि अब समय बदल चुका है, नुकसान पहुंचाएंगे तो भरपाई भी खुद ही करनी होगी। इस दौरान उनके समय समय पर लिए गए साक्षात्कारों ने भी खासी सुर्खियां बटोरी और देखते ही देखते योगी आदित्यनाथ एक वर्ग विशेष की आंखों का तारा बन गए। हालांकि योगी को यह कहते हुए भी सुना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में तुष्टिकरण की कोई नीति नहीं चलेगी। प्रत्येक धर्म, मजहब व जाति के लोगों को अपने पर्व होली, दिवाली, ईद, मुहर्रम आदि सद्भावपूर्ण वातावरण में मनाने का पूरा अधिकार है। यह सब कानून के दायरे में परमिशन लेकर किया जाए तो इसके लिए प्रदेश सरकार उन्हें सुरक्षा वे अच्छा माहौल भी देगी, लेकिन यदि कानून को बंधक बनाकर लोकतंत्र की आड़ व राष्ट्रीय झंडे का सहारा लेकर कोई उत्पात करेगा तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। आइए देखते हैं क्या बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन कुछ लोग हैं, 12-15 लोग जाएंगे हाथों में तलवार लेकर के, जो दिखेगा ऐसे मारेंगे, और तब भी उम्मीद करते हैं कि सरकार उन पर लाठी न बरसाए, उम्मीद करते हैं शांति से हम उनकी आरती उतारे, ये नहीं हो सकता। कानून को हाथ में लेने की छूट नहीं देंगे किसी को, कानून सुरक्षा सबको देगा, लेकिन कानून के साथ कानून को खिलवाड़ करने की छूट किसी को हम नहीं देंगे, और इसीलिए हम कहने के लिए इसीलिए कह रहे हैं हम सुरक्षा का वातावरण दे रहे हैं प्रदेश के अंदर।
एक ऐसे ही साक्षात्कार में योगी आदित्यनाथ का कहना था कि यदि उत्तर प्रदेश में कोई मरने के लिए ही आ रहा है तो वह जिंदा कैसे रहेगा। उनके इस वाक्य ने उनके विरोधियों में जहां बेचैनी फैला दी थी, वहीं उनके समर्थक मुस्कुरा दिए थे। भाई अगर कोई मरने के लिए आ ही रहा है तो जिंदा कहां से हो जाएगा। लेकिन पुलिस की गोली से कोई नहीं मरा, जो मरे हैं उपद्रवी उपद्रवियों की ही गोली से मरे हैं। एक आरोप न महिला सुरक्षा से संबंधित है और न ही किसी व्यापारी, किसी आम नागरिक, किसी भी जाति, मत और मजहब को मानने वाला व्यक्ति, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। उन्होंने आगे यहां तक कहा कि दंगा करने, बेटी व युवतियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वालों, व्यापारियों के प्रतिष्ठानों को लूट व आगजनी का निशाना बनाने वाले जिस भाषा में समझेंगे उन्हें उसी भाषा में समझाया जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने साफ कहा था कि उत्तर प्रदेश में हर नागरिक सुरक्षित है, लोगों को सुरक्षा का माहौल देने का ही दायित्व सरकार का है, इसके लिए लोगों में सुरक्षा का विश्वास पैदा किया जा रहा है और इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वे करेंगे। कोई बदनीयति से गोली चलाएगा तो गोली इधर से चले या उधर से, शांति तो कायम रखनी ही है। अगर कोई कानून की ध्वजियां उड़ाएगा, निर्दोष लोगों पर हमला करेगा, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, या फिर वह व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लूटपाट और आगजनी की घटना को अंजाम देगा, तो फिर वह जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसको समझाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह संदेश प्रदेश के कोने कोने तक पहुंच चुका है। दिल्ली हिंसा के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश के जिलों में पुलिस द्वारा ये मुनादी कराई गई कि जिन लोगों की छतों पर ईंट पत्थर जमा है वो खुद ही उसे साफ कर लें, अन्यथा ड्रोन की मदद से छतों की तलाशी होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा पुलिस उसके खिलाफ विधि समस्त कार्रवाई करेगी। 20 दिसंबर को प्रदेश के मेरठ समेत कई जिलों में हुई हिंसा के बाद यह सवाल खड़ा हो गया था कि आखिर इतनी मात्रा में ईंट पत्थर कैसे जमा कर लिए गए। हालांकि मेरठ में डिवाइडर तोड़कर ही पुलिस पर बरसाए गए थे। अब जबकि पुलिस ने खुली चेतावनी जारी कर दी है तो पूर्व नियोजित दंगाई ईंट पत्थर जमा करने से पहले एक बारगी सोचेंगे जरूर। कथनी व करनी में फर्क रखने वाले राजनेताओं के लिए योगी आदित्यनाथ का यह खुला संदेश है कि ये बात विधानसभा में कहने तक का साहस रखते हैं कि 19 व 20 दिसंबर को हुई घटना पर पुलिस की इसलिए प्रशंसा की जानी चाहिए कि पुलिस ने कहीं भी दंगा नहीं होने दिया। पुलिस की गोली से भी कोई नहीं मरा, जो मरे भी हैं वो उपद्रवियों की गोली से उपद्रवी ही मारे गए हैं। अपराधी कितनी दूर छिपा हो पुलिस की निगाह से बच नहीं पाएगा। पहले व्यापारी प्लान करते थे, अब अपराधी प्लान करते हैं। सबका साथ सबका विश्वास का संदेश देने वाले योगी आदित्यनाथ का यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री राहत कोष प्रदेश के हर नागरिक के लिए खुला है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, मजहब और पंथ का क्यों ना हो। प्रदेश का कोई जनप्रतिनिधि यह नहीं कह सकता कि योगी के कार्यकाल में भाजपा के प्रतिनिधियों का बोलबाला है, बाकी किसी की सुनवाई नहीं है। प्रदेश का कोई जिला उपेक्षित महसूस न करे, कोई व्यक्ति भी उपेक्षित न हो, इसके लिए वह स्वयं जनपद के दौरे पर निकलते हैं। CAA पर योगी का स्पष्ट मत है कि यह बात समझ लेनी चाहिए कि CAA नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता लेने वाला नहीं। वह जोड़ते हैं कि CAA को कांग्रेस ही लेकर आई थी, उन्होंने सिर्फ इसकी अवधि को 11 साल से घटाकर 5 वर्ष किया है। उनका साफ मानना है कि आप अंधे को तो रास्ता दिखा सकते हैं लेकिन अंधे का ढोंग करने वाले को नहीं। योगी ने एक साक्षात्कार में यह भी कहा है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी हमने अपने अधिकारों की बात तो बहुत की लेकिन अब एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत के लिए कर्तव्य की बात भी कर लेनी चाहिए। संविधान या संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने वालों को यह ध्यान रखना चाहिए कि आदतें बहुत जल्दी सुधरती नहीं हैं, उन्हें सुधारना पड़ता है। इस खबर में आज इतना ही। देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार।